Hello students, welcome to this online class of Civil Engineering Department from NIT Polytechnic, Nagpur. Myself, Professor Purnima Dongre, Subject Teacher of Highway Engineering. Let us see vision mission of department. Vision of the department to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers mission of the department there are 3 missions of the department and these are mission number 1 is effective implementation of teaching learning process to benefit students mission number 2 is imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability mission number 3 is to develop social and environmental responsible civil engineers to achieve this vision and mission we will go through learning outcome and it includes course outcome program outcome and unit outcome Sabse pehle hai, course outcome implement heel road construction using relevant materials टेक्निक्स एंड मेथड्स मीन्स यह यूनिट पढ़ने के बाद सूटेबल मटेरियल्स एंड टेक्निक्स यूज करके हील रोड कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस को आप बता सकते हो नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम इस टॉपिक से रिलेटेड प्रोग्राम आउटकम है पीओ वन पी ओ टू पी ओ थ्री पी ओ फोर पी ओ फाइव पी ओ सिक्स एंड पी ओ सेवन जैसे कि बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज प्रॉब्लम एनालिसिस डिज़ाइन डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन, इंजीनियरिंग टूल्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस फॉर सोसाइटी सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन सभी पीओ के बारे में आप स्टडी करोगे नेक्स्ट है यूनिट आउटकम स्टूडेंट्स विल एबल टू डिस्क्राइब विद स्केच द गिवन कम्पोनेंट्स ऑफ द हिल रोड यह टॉपिक पढ़ने के बाद आप हिल रोड कम्पोनेंट्स के बारे में बता सकते हो इन लास्ट सेशन वो स्टडीड अबाउट लैंड स्लाइड्स कॉजेस ऑफ लैंड स्लाइड्स एंड प्रिवेंशन ऑफ लैंड स्लाइड्स इन टुडे सेशन

सबसे पहले देखते हैं हील रोड अलाइनमेंट कंट्रोल करने के लिए कौन से फैक्टर्स जरूरी है दैट इज द फैक्टर्स कंट्रोलिंग द अलाइनमेंट ऑफ हील रोड आर एज फॉलोज फर्स्ट फैक्टर है लेंथ ऑफ रोड इट शुड बी लेस टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर किलोमीटर मीन्स हील रोड की लेंथ जनरली कम रहना चाहिए ताकि रोड कंस्ट्रक्शन का खर्चा कम हो सेकंड फैक्टर है नंबर ऑफ कर्व्स इफ नंबर ऑफ कर्व्स इज़ मोर देन इट बिकम्स डिफिकल्ट इन कंस्ट्रक्शन नंबर ऑफ कर्व्स हिल रोड कंस्ट्रक्ट करते समय जनरली कम रहना चाहिए थर्ड फैक्टर है एक्सेसिव कटिंग ऑफ रॉक इफ

एरिया के पास नहीं होना चाहिए सिक्स फैक्टर है इकोनॉमी ऑफ प्रोजेक्ट द अलाइनमेंट इज सिलेक्टेड सच दैट द ट्रांसपोर्टेशन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी मिनिमम टू अचीव ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ प्रोजेक्ट हील रोड अलाइनमेंट सिलेक्ट करते समय मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मेंटेनेंस यह सब फैक्टर्स कंसीडर करना चाहिए ताकि रोड कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कम हो सो दीज आर वेरियस फैक्टर्स विच कंट्रोल द हील रोड अलाइनमेंट नेक्स्ट वी विल सी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स ऑफ हील रोड एंड इट इंक्लूड्स प्लानिंग क्लियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड ओपन फॉर ट्रैफिक मीन्स हील रोड के लिए प्लानिंग करना बजट अप्रूवल साइट क्लियरेंस कंस्ट्रक्शन एंड आफ्टर कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ओपन फॉर ट्रैफिक यह स्टेप्स हील रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं सी वन ऑफ द पिक्चर ऑफ हील रोड कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हील रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हील रोड कंस्ट्रक्शन की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आगे देखते हैं दैट इज स्टेप्स इन्वॉल्व इन हील रोड कंस्ट्रक्शन प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड प्रिपरेशन ऑफ बेस कोर्स इंटरमीडिएट लेयर बियरिंग सरफेस शोल्डर्स लैंड स्लाइड प्रोटेक्शन एंड ओपनिंग फॉर ट्रैफिक दीज आर द वेरियस स्टेप्स यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन। सी द पिक्चर ऑफ हिल रोड कंस्ट्रक्शन आप इस पिक्चर में हील रोड कंस्ट्रक्ट करते समय साइट क्लियरेंस की प्रोसेस देख रहे हो नेक्स्ट वी विल सी लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन वर्क एंड इट इंक्लूड ब्रेस्ट वॉल जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो दिस इज द ब्रेस्ट वॉल कंस्ट्रक्टेड इन हिल रोड नेक्स्ट प्रोटेक्शन है रिटेनिंग वॉल सी द पिक्चर ऑफ रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्टेड इन हिल रोड इन दिस वे Hill road is constructed by using safety measures and it will be open for traffic. See the picture of completed hill road. This hill road is constructed by using safety measures. In this way, in today's session, we studied about factors controlling the alignment of hill road. And steps involved in hill road construction. In next session, we will see the topic drainage of road. Important questions on today's topic are Describe any four factors controlling the alignment of hill road. Enlist step-by-step -step procedure for hill road construction. You have to solve these questions as assignment. If you will face any difficulty, then watch the video again, refer the notes provided to you, or contact me. Thank you for watching the video.